हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज जो हम एक केस ऑपरेट करने जा रहे हैं, द पेशेंट बेसिकली हैव ए डेविएटेड नोज, क्रूकड नोज। सो ये 16 ईयर ओल्ड एक बॉय है जो इनको दोनों प्रॉब्लम है, रिगार्डिंग द ब्रीदिंग, नेजल ब्लॉकेज है एंड रिगार्डिंग द लुक। अगर हम इनका नोज का देखो एग्जामिनेशन करते हैं, सो ये जो नोज है ये क्या है, पूरा का पूरा डेविएटेड है। ये क्या है, एक तरफ जा रहा है यूं, पहले यूं और सी शेप बैंड है नोज में, एंड दोनों में टिप की तरफ यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ डिप्रेशन है। और ये नोज जो है ओवर वाइड है, पूरा इतना बड़ा जो है फेस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा इसका नोज है। एंड दूसरे अगर व्यू में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, इसमें बेसिकली ये जो नोज है, ये दोनों जो नोस्टिल है आइदर दे शुड बी इक्वल, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बट अगर इनका हम नोज देखते हैं तो ये एक तरफ जो है एसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये अंदर नाक का डीएनएस है, आगे का सेप्टम डेविएटेड है एंड नोज क्या है, नीचे आ रखा है, ड्रूपी नोज है। अगर इस प्रोफाइल में है, दूसरे व्यू में हम देखते हैं तो आप देखो, इसका जो नोज है हमारा जो फोरहेड और नोज के बीच का जो एरिया है वो भी काफी सेलो है, इसलिए नोज क्या है लंबा अपीयर हो रहा है। एंड ये जो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट भी जो है नॉट प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट है, यहाँ पे इसको क्या है बेसिकली डिप्रेशन है। एंड यहाँ पे देखते हैं तो नोज क्या है, देखो एक तरफ ये क्या है आइडियली नोज ऐसा होना चाहिए, बट देट शुड लाइक ये यूं बिल्कुल एक तरफ जा रहा है एंड इसका ये टिप पार्ट भी हो रखा है एंड यहाँ पे क्या है दोनों तरफ डिप्रेशन है। सो बेसिकली जो मेडिकल लैंग्वेज है इसमें हम इसको जो है क्रूकड नोज और डेविएटेड नोज बोलते हैं। इसमें ये जो हम ओपन जो सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी करेंगे और इसके माध्यम से पूरा अंदर का जो फ्रेमवर्क है इसका रीसेट करके नोज को स्ट्रेट करेंगे, बाहर से भी स्ट्रेट होगा और अंदर से भी जो हमारा ब्रीदिंग है वो भी ब्लॉकेज फ्री होगा। सो दोस्तों, ये जो पेशेंट है जिनका हमने फोटोग्राफिक एनालिसिस किया था, ये पेशेंट 16 ओल्ड मेल है। अगर हम इनको नोज को देखते हैं तो ये नोज क्या है, देखो आपको यूं डेविएटेड है, ये नोज जो है यूं एक तरफ जा रहा है, बेसिकली डेविएटेड नोज है। ये आइडियली नोज यूं होना चाहिए, ये नोज यूं जा रहा है एंड इसमें यूं बैंड है। सो ये बाहर की जो नोज की विकृति है वो अंदर का जो फ्रेमवर्क नोज का डेविएटेड है उसके कारण है। अगर हम नोज में अंदर देखते हैं तो अगर आप देखोगे अंदर की ये जो नोज का पार्ट है ये क्या है, यहाँ आ रखा है और इस नोज को पूरा ब्लॉक कर रखा है इधर से, और ये दोनों जो है वो एसिमेट्रिकल है क्योंकि ये यहाँ पे आ रखा है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आ रखा है, इसलिए इसके नोज को क्या है ब्लॉकेज भी कर रखा है और इस टिप को भी यूं ट्विस्ट कर रखा है। सो इसमें बेसिकली हम एक सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से इस सेप्टम को बीच में लेके आएंगे तो उसके बाद हम दोनों ये बराबर होंगे, नोज स्ट्रेट होगा और दोनों तरफ ब्लॉकेज फ्री होगा। सर्जरी के बाद मिलते हैं कैसे इस सर्जरी को हम ठीक करते हैं। थैंक यू।